इधर विपक्षी नेता भी एकजुट हो रहे हैं, और एकजुट हो रहे हैं किसके साथ? बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा के साथ। जी हां, मामला मुंबई का है जहां से शांति यात्रा निकाल रहे हैं यशवंत सिन्हा। शरद पवार ने इसे हरी झंडी दिखाई। 3000 किलोमीटर की दूरी तय करके 30 जनवरी को ये दिल्ली के राजघाट पहुंचेगा। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ ये विपक्ष का हल्ला बोल है। इस हल्ला बोल में एनसीपी मुखिया शरद पवार हैं, बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा हैं, कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण हैं, प्रकाश अंबेडकर भी हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर विपक्ष के दिग्गजों का पूरा जमावड़ा है। हजारों लोगों के इस जमावड़े में लोग तरह तरह की तख्तियां हाथों में लिए हैं। ज्यादातर तख्तियों पर संविधान बचाओ का नारा लिखा हुआ है। इस जमावड़े का नाम है गांधी शांति यात्रा। इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं यशवंत सिन्हा, और उन्हें साथ मिला है एनसीपी के मुखिया शरद पवार का। समाज के बहुत बड़े वर्गों में नाराजगी है, मगर उनको रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। और वो रास्ता महात्मा गांधी जी के विचारों से ही रास्ता हो सकता है, जो देश की संविधान बचाने के लिए आम लोगों को मदद कर सकता है। यशवंत सिन्हा की अगुवाई में गेटवे ऑफ इंडिया से निकली एक गांधी शांति यात्रा राजस्थान, यूपी और हरियाणा से होते हुए महात्मा गांधी की पुण्यतिथि यानी 30 जनवरी को दिल्ली के राजघाट पहुंचेगी। गांधी शांति यात्रा के जरिए सरकार से मांग की जा रही है कि वो संसद में ऐलान करे कि देश में एनआरसी लागू नहीं होगा। हमारी यात्रा सीएए, एनपीआर और एनआरसी के विरोध में है, जो सरकारों द्वारा, जिसमें राज्य सरकारें भी शामिल हैं, उनके द्वारा जो हिंसा की गई है उसके खिलाफ है। 3000 किलोमीटर की इस प्रस्तावित गांधी शांति यात्रा में एनआरसी, नागरिकता संशोधन कानून के अलावा जस्टिस लोया की संदिग्ध हालात में हुई मौत का मुद्दा भी उठाया जाएगा। इस यात्रा को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। ये लोग देशवासियों को सरकार की जन विरोधी नीतियों से आगाह करेंगे। पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। तो ये शांति मार्च भी गेटवे ऑफ इंडिया से, और इसी गेटवे ऑफ इंडिया पर 6 जनवरी को पहली बार ऐसे विरोध प्रदर्शन में फ्री कश्मीर का पोस्टर दिखा था, लेकिन इसके बाद सिलसिला कायम है दिल्ली में मैसूर यूनिवर्सिटी में, जिस पर बीजेपी का कहना है, सरकार का कहना है कि देखिए पाकिस्तान इसका फायदा उठाता है। छह जनवरी की रात मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर जेएनयू में हिंसा के विरोध में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन इस प्रदर्शन में एक पोस्टर ने एक नया विवाद पैदा कर दिया था। एक लड़की ने अपने हाथों में फ्री कश्मीर लिखा पोस्टर ले रखा था। शुरुआत मुंबई से हुई थी, लेकिन अब ऐसे ही पोस्टर कर्नाटक के मैसूर और दिल्ली में भी दिखाई पड़ने लगे हैं। जेएनयू में हुई हिंसा के विरोध में मैसूर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बुधवार की रात प्रदर्शन किया, तो उसमें भी फ्री कश्मीर का नारा लिखी तख्तियां दिखी और फ्री कश्मीर के नारे भी लगाए गए। मैसूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जी हेमंत कुमार ने इस मामले की जांच शुरू करवा दी है, लेकिन इस पर राजनीति बढ़ गई है। वो इंटरनेट और तमाम पाबंदियों से फ्री कश्मीर की बात कर रहे थे, पर इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो लोग लगाए थे पोस्टर या जहां पे है, ये स्पष्टीकरण उनकी तरफ से आना। पायरेटेड प्रोपेगंडे से प्रभावित प्रदर्शन है, और जो प्रदर्शन जो है वो पायरेटेड प्रोपेगंडे से प्रभावित हो, उसमें जो है वो सत्यमेव जयते कहीं नहीं होता, बल्कि झूठमेव जयते होता है। ये बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है, किसी भी भारतीय को ये कभी भी स्वीकार होगा नहीं। और जो जिन लोगों ने भी ये किया है, निश्चित तौर से जो वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, उसको देखना चाहिए। 6 जनवरी की रात गेटवे ऑफ इंडिया पर प्रदर्शन में शामिल जिस लड़की ने फ्री कश्मीर वाला पोस्टर अपने हाथों में ले रखा था, उसने सफाई भी दी कि उसका मतलब कश्मीर में आजादी से नहीं था, बल्कि वहाँ की सुविधाओं की आजादी से था। अगर हम कहते हैं वो अपने हैं, तो हमें उन्हें अपने जैसा ट्रीट भी करना चाहिए। दे शुड गेट द बेसिक राइट्स दैट वी आर गेटिंग, सो दे शुड हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। और बस यही ख्याल से मैंने वो पोस्टर उठाया।
लेकिन इस सफाई से इलाज हुआ नहीं बल्कि मर्ज बढ़ता ही गया। प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी पोस्टरबाजी पर किसी को एतराज नहीं है, लेकिन जब प्रदर्शन में देश विरोधी नारेबाजी लगेगी तो सवाल तो उठेंगे ही। सवाल ये कि फ्री कश्मीर लिखे ऐसे पोस्टरों का क्या मकसद है? ये देश की छवि खराब करने का हथकंडा नहीं तो और क्या है? आज तक ब्यूरो।